तो ये जो सांप की केचुली है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक नाग देवता है, और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं, और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं, और आपने जरूर सुना होगा रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेष नाग के ही अवतार थे, बलराम जी भी शेष नाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केचुली है, ये हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है, ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की केचुली मिलेगी, और सांप की केचुली के जो फायदे समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे, तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं, कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है, मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है वो फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है, कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन बढ़ेगा, शिव की कृपा बढ़ेगी, श्री हरि का प्यार बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप के केचुली के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बहनों अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है, और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भ धारण हो जाता है। बिल्कुल ही, जो माता बहने जिनका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भ धारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता न मिले तो पुण्य ये क्रिया करें, हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केचुली अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है, और ये लाभ मैं भी पा चुका हूँ। ये प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है, आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है, हमने बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं, बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है, सांप की केचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना, जो मस्से वाले बवासीर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है। इसके बाद
ये आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन न चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान न कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा कर के कहीं पर न ले जाए, अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केचली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं वहाँ पर, इसे लाल कपड़े में बांध कर ताला लगाते हैं, उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए, बिल्कुल ही ये धन की रक्षा करता है। जब तक ये धन की पेटी में सांप की केचली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप की केचली को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें, यह आपकी रक्षा करता है, इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभावों को दूर करता है। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कौन से सांप की केचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले तो फायदे जाने। इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें, इससे शत्रु डरते हैं। जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद ये घातक रोग को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सांप की केचली को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना, शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग अर्थात जो ठीक न होने वाले रोग कहे गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद ये कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में बिल्कुल ही वो सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुँचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वो पुण्य सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वो नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सफल होने में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, नौकरी प्राप्त करने से एक ही कदम पीछे रह जाते हैं, असफलता उन्हें परेशान कर देती है, अर्थात उन्हें धकेला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, या फिर लंबे समय से कुछ प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की कुछ अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं,
या फिर आप जो है एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ये दोनों कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गुप्त धन अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, आप अगर ऐसा चाहते हैं या फिर पैतृक धन आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता। तो ऐसे में बिल्कुल ही काले धन की प्राप्ति होती है और पैतृक धन की प्राप्ति होती है। ये पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा, काले धन मिलते हैं। किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो अगर आप भी सांप की केंचुली पहनते हैं, तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की केंचुली डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी केंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है, कौन सी केंचुली इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई केंचुली ही आपको इस्तेमाल करना है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वो साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता। एक लाइक तो बनता है।